मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज गए हैं सुबह के 9 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और आज है वट सावित्री। तो जितनी भी मेरी फीमेल सब्सक्राइबर है सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ और अभी जाना है मुझे पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ सब ना ग्रुप में मिलकर पूजा करेंगे। तो सुबह क्या है, बच्चों को नाश्ता वगैरह कराना था, तो सुबह का मैंने एक भी ब्लॉग शूट नहीं किया। जल्दी जल्दी सुबह उठी हूँ, नाश्ता बनाई हूँ इनके लिए, बच्चों के लिए, उसके बाद नहाई धोई रेडी हुई, अपना पूजा का पूरा तैयारी करी हूँ। और अभी मैंने अपना चूड़ी वगैरह भी चेंज नहीं किया है, अभी चूड़ी वगैरह सब चेंज करूँगी और इयररिंग्स गले का सब चेंज करना है अभी मुझे। जो मैं पहले से पहनी हुई थी वही है, तो अभी ये सब चेंज कर लेती हूँ और फिर जाऊँगी पूजा करने। वैसे तो घर में करने वाली थी, पर हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि ग्रुप में कर ले सबके साथ, तो बस वहीं जाऊंगी। और ये वाला साड़ी है कॉटन का। और हुआ ये कि जो साड़ी मैं लेके आई थी वट सावित्री में पहनने के लिए, उसका ब्लाउज रेडी नहीं हो पाया, तो ये भी मेरे पास नया साड़ी रखा हुआ था, कोरा ही था, तो मैंने इसे ही पहन लिया है। ये देखिए उड़ीसा का, ये संबलपुरी प्रिंट वाला है। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, चूड़ी वगैरह चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा में निकलने से पहले आपसे मिलूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने पूजा का तैयारी करके रखा हुआ है। तो पूजा के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सब यहाँ पे मैं एक एक करके ला ला के इकट्ठा करते जा रही हूँ। और अभी किचन से मुझे पूड़ी और जो पुआ वगैरह बनाई हूँ वो भी लाना है, तो उसे मैं पहले से ला के नहीं रखी हूँ क्योंकि यहाँ पर चींटी हो जाएगा इस वजह से। बाकी जितना भी श्रृंगार का सामान, फल, भीगा हुआ चना, मिठाई और फूल, लोटा में पानी वगैरह सब ला के इकट्ठा कर लूँ। और मैं ना ग्रुप में जाने वाली थी पूजा करने, बट इन लोगों का अभी बहुत टाइम लगेगा, लेट हो रहा है, तो इस वजह से ना मैं घर पे ही अभी पूजा करूँगी और कथा सुनने के लिए बाद में उनके वहाँ चले जाऊँगी। तो ये देखिए पीछे ही ना बरगद का पेड़ है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर मैं कपड़ा सुखाती हूँ। तो ये भी ना बरगद का पेड़ मैं 3 साल पहले ना गमले में रख के पूजा की थी, और आज ना 3 साल बाद देखिए वो इतना बड़ा हो गया है। तो गमले में था ये पौधा, बट ना जब ये इसका जड़ फैला ना तो गमला अपने आप फट गया और ये ना पूरा ज़मीन में ना इसका जड़ पकड़ लिया, और 3 साल में ना ये बहुत बड़ा हो गया। तो मैं इसी पे पूजा करती, बट साइड में पूरा टीन लगा हुआ है तो फेरी करते नहीं बनता, इस वजह से ना छोटे से गमले में बरगद का डंगाल रख के और तब मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैं घर में अभी कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी जो ग्रुप में यहाँ पे थाने कैंपस में जो सब लेडीज़ लोग मिलके पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं कथा सुनने के लिए चले जाऊँगी। तो उनका ना रिचुअल्स अलग होता है, यहाँ उड़ीसा का और हमारा यूपी का अलग होता है, उन लोग दूसरे तरीके से करते हैं, हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। बट जब यहाँ पे हूँ तो मेरे हस्बैंड बोले कि मिल के कर लो तो अच्छा रहेगा, तो प्लानिंग तो था उन्हीं के साथ पूजा करने का, बट अभी टाइम होगा और मुझे जल्दी पूजा करना था, तो इस वजह से मैं घर पे कर ले रही हूँ। बस बस ना मैं कथा सुनने के लिए वहाँ पे चले जाऊँगी। वैसे तो कुछ समझ आएगा नहीं, उन लोग उड़िया में कथा पढ़ेंगे, बट फिर भी वहाँ पे जाके उनके साथ मुझे सम्मिलित होना है, बैठना है, ताकि उन्हें ना लगे कि मैं नहीं आई। तो चलिए मैं फटाफट घर में पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलूँगी मैं आप सबसे। हूँ मैं और कितना ज़्यादा पसीना एकदम। और अभी बज गया है 12 और घर में भी पूजा करी मैं, पहले घर में पूजा करी थी, उसके बाद पीछे ग्रुप में सब कर रहे थे। इधर देखती हूँ,
इधर जो सामने घर दिख रहा है ना, वहाँ पे सब लेडीज लोग मिलके कर रहे हैं, तो वहाँ गई थी मैं। बस पूजा मैं अपना घर में कर ली थी, उनके साथ बस अटेंड करने गई थी, तो आ गई हूँ। इतना ज़्यादा थोड़ा सा 10 मिनट रिलैक्स करूँगी, और हम लोग को जो काला चना भिगाते हैं ना, उससे ही 13 काला चना को पानी के साथ निगल के अपना फास्ट तोड़ना है। तो पहले 5 मिनट रिलैक्स करती हूँ, फिर मैं अपना फास्ट तोड़ूँगी। अब बच्चे घर पे ही थे, दिखाती हूँ मैं कहाँ पे पूजा की थी, तो वो भी आपको देखिए। मैं यहाँ घर पे पूजा की थी, देखिए मैंने यहाँ घर पे कर लिया था पूजा। अब जा रही हूँ, मेरा चना तो यहीं पे रखा हुआ, ये जो चना भिगा के रखे थे ना हम लोग, अब इसे ही निगलना है पानी के साथ 13 ठोक खड़ा, 13 चना निगल के और पानी के साथ, तब हम लोग अपना फास्ट तोड़ेंगे। हमारे में वैसा रहता है। उसके बाद फिर बनाऊंगी दोपहर का लंच बच्चों के लिए, इनके लिए। और मैं तो फास्ट है तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मतलब खाऊंगी पर एक टाइम खाऊंगी, दही और पूड़ी, नमक का कुछ नहीं खाना है, मीठा खाना है। मेरा पूजा पति परमेश्वर का पूजा कर ली मैं, और साल में 3 बार इनके लिए व्रत रखती हूँ, वट, सावित्री, तीज और करवा चौथ। ये मेरे लिए कितना रखते हैं पूछिए इनसे जरा, रोज अच्छा रोज इनके लंबे उम्र के लिए मैं वट सावित्री करती हूँ, तीज का व्रत रखती हूँ और करवा चौथ, पर ये मेरे लिए कभी भूखे नहीं रहते हैं, और मैं इनके लिए साल में 3 बार भूखी रहती हूँ। तो हो गया हमारा पूजा बहुत अच्छे से। अब जा रही हूँ दोपहर का लंच वगैरह बनाऊंगी इनके लिए, बच्चों के लिए, और ये अभी पूजा के लिए बस आए थे थाना से, अभी वापस फिर से जाएंगे। मैं फ़ोन करके बुलाई थी कि आ जाओ करके, तो आए थे, तो अभी ये जाएंगे वापस फिर से, फिर मिलती हूँ बाद में आपसे।